हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जब जंगलों में रहा करते थे, उस समय उनके पास समय को मापने का कोई भी यंत्र नहीं था, ना ही उनके पास आज के जैसी जीपीएस टेक्नोलॉजी थी जो उन्हें जंगलों में रास्ता दिखा पाती। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वज समय की धारा को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बिना जीपीएस टेक्नोलॉजी के उनकी नेविगेशन स्किल्स काबिले तारीफ थी, और इसका कारण था आसमान। दरअसल उस समय हमारे पूर्वज ग्रहों और नक्षत्रों को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा बदलने से उन्हें ऋतुओं के बदलने का पता चल जाता। हमारे पूर्वज उस समय खाने के लिए शिकार करने पर निर्भर रहते थे, इसलिए वो चंद्रमा की साइकिल को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, जिससे वो अनुमान लगा पाते कि कौन सा समय शिकार के लिए बेहतर रहेगा। आज हम 21वीं सदी में पृथ्वी की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है। कभी जंगल की सीमाओं को नापने वाला इंसान आज अंतरिक्ष की सीमाओं को नाप रहा है। आज हम तकनीकी तौर पर काफी उन्नत हो चुके हैं, और पिछले 300 सालों में तो मानवता ने इतना विकास किया है कि घोड़ा गाड़ी पर चलने वाला इंसान आज चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो हजारों साल पहले, कि कैसे हम इंसान सूर्य के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना सकते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन तकनीकी तौर पर कितनी एडवांस होती है, ये डिपेंड करता है कि वो सिविलाइजेशन ऊर्जा का कितना दोहन करती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा के असीम भंडार हैं, और हम मनुष्य पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये ऊर्जा हमारे लिए पर्याप्त है? हमारे पूर्वज अपने आप को जिंदा रखने के लिए फल और जानवरों को खाकर ऊर्जा लेते थे। बाद में उन्होंने आग के रूप में ऊर्जा का एक नया रूप खोजा। आग से मिलने वाली ऊर्जा से वो अपने आप को गर्म रख पाते, और उसी ऊर्जा से अपने खाने को पका सकते थे। बाद में इंसानों ने ऊर्जा के एक और रूप को पहचाना, जानवरों की ऊर्जा। जानवरों की मदद से इंसानों के लिए खेती करना आसान हुआ। जानवरों की ऊर्जा से इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आसान हो गया। इंसानों ने हवा के रूप में मिलने वाली ऊर्जा को समझा, जिस वजह से इंसान हवा के सहारे अपनी कश्ती को चलाकर समुद्रों में दूर दूर तक सफर कर पाए। हमने बहते हुए पानी की ऊर्जा को समझा, जिससे हम अपनी फसल को ग्राइंड करके उससे अनाज को आसानी से बाहर कर पाते। हमने भाप से मिलने वाली ऊर्जा को समझा, जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला दिया। हमने पृथ्वी की गहराई में छिपी जीवाश्म ईंधन के रूप में मौजूद ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखा, जिसने हमारे घरों को रोशन किया और हमारे वाहनों को पावर दी। हमारी सोच जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे हमने ऊर्जा के नए नए रूपों को इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में मौजूद ऊर्जा आखिर कहां से आई? वेल, पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में मौजूद ऊर्जा सिर्फ एक ही स्रोत से आई है, और वो है सूर्य। जब सूर्य चमकता है तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, जिसका कुछ भाग पेड़ पौधों पर गिरता है, जिससे प्रकाश के रूप में मौजूद ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। जब हम फल सब्जी इत्यादि खाते हैं तो हम सूर्य की ऊर्जा का ही दोहन कर रहे होते हैं, भले ही उसका रूप अलग हो। आज हम जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन पृथ्वी की गहराई में छुपा ऊर्जा का ये रूप कुछ और नहीं बल्कि सदियों पहले पृथ्वी में दबे प्लांट्स और जानवरों के डीकम्पोजिशन से बना है। हम पानी से जिस ऊर्जा को लेते हैं वो भी सूर्य की वजह से ही संभव है, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली हीट से ही पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और सूर्य की गर्मी की वजह से ही पानी भाप बनकर बादलों की शक्ल लेता है जो बारिश के रूप में बरसता है। वही बारिश का पानी नदियों में जाता है, और बहते हुए पानी से मिलने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देते हैं। धरती पर हवा भी सूर्य की वजह से ही पैदा होती है, क्योंकि सूर्य की वजह से ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर और डेंसिटी बदल जाती हैं, जिससे हवा बहने लगती है और हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी की गहराई में मौजूद जियोथर्मल एनर्जी भी सूर्य का ही हिस्सा है, क्योंकि जब सूर्य बना तभी बचे हुए मटेरियल से ग्रह बने। ज्वार भाटा के रूप में पैदा हुई एनर्जी भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटी से ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा के रूप अनेक हैं, लेकिन स्रोत केवल एक है, सूर्य। लेकिन हर रोज सूर्य जितनी ऊर्जा रिलीज करता है, उसकी 0.01% से भी कम ऊर्जा पृथ्वी ग्रहण कर पाती है। बाकी की सूर्य की सब ऊर्जा ऐसे ही वेस्ट हो जाती है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता।
जैसे जैसे हमारी सभ्यता एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल इत्यादि, इन सभी को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जितनी 20,000 घर मिलकर इस्तेमाल कर पाते हैं। सर्न में बने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को चलाने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जितनी 3,00,000 घर मिलकर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पिछले 200 सालों में ही हम मनुष्य ऊर्जा का 2500% से भी ज़्यादा दोहन करने लगे हैं, और हर साल हमारे ऊर्जा के दोहन करने की गति बढ़ती ही जा रही है। लेकिन भविष्य में सबसे बड़ी परेशानी ये होने वाली है कि पृथ्वी पर ऊर्जा के लिमिटेड भंडार हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि हम मनुष्य पृथ्वी की संपूर्ण ऊर्जा को कंज्यूम कर चुके होंगे। अर्थ ओवर सूट डे, ये वो दिन होता है जब मानव जाति एक साल में इतनी ऊर्जा इस्तेमाल कर लेती है जितनी एक साल में पृथ्वी नेचुरल तरीके से ऊर्जा बना नहीं पाती। 23 अक्टूबर 1987 को अर्थ ओवर सूट डे पहली बार कैलकुलेट किया गया। उसके बाद आगे तारीख बढ़ती रही और हाल ही में 29 जुलाई 2019 को अर्थ ओवर सूट डे कैलकुलेट किया गया। कहने का मतलब है कि हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है और पृथ्वी की रिजर्व एनर्जी कम होती जा रही है। अगर पिछले 200 सालों में ऊर्जा के दोहन करने की गति की जनसंख्या वृद्धि से तुलना करें तो पिछले 200 सालों में 700% जनसंख्या बढ़ी है और 2500% से ज़्यादा ऊर्जा का दोहन बढ़ा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि आने वाले समय में हम मनुष्य ऊर्जा का कितना इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हमारे पास ऊर्जा के कोई भी संसाधन नहीं रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? हमारी ऊर्जा के लिए बढ़ती हुई भूख कैसे शांत होगी? 1960 में यही सवाल फ्रीमैन डायसन ने उठाया और इसका कंक्लूजन निकला कि हमें ऊर्जा के लिए अपनी भूख को शांत करने के लिए सूर्य की ऊर्जा को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हम जान चुके हैं कि विंड एनर्जी, जीवाश्म ईंधन इत्यादि सूर्य की एनर्जी से ही बने हैं, तो भविष्य में हमें इस इंटरमीडिएट को कट करके सूर्य की डायरेक्ट ऊर्जा को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हम अपनी भूख को शांत करने के लिए सूर्य की ऊर्जा को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? अगर हम सोचें कि हम पूरी पृथ्वी पर खाली जगहों में सोलर पैनल्स बिछा दें, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय हमारी ऊर्जा के लिए भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर बिछे सोलर पैनल भी हमारी ऊर्जा की भूख को शांत नहीं कर पाएंगे। फ्रीमैन डायसन ने सूर्य की ऊर्जा को कलेक्ट करने के लिए एक साइंस फिक्शनल कॉन्सेप्ट दिया और वो था डायसन स्फीयर। अगर हम सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें सूर्य के चारों ओर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा को कलेक्ट कर पाए। हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से डायसन स्फीयर बना पाना असंभव है, लेकिन अगर मानव जाति लंबे समय तक पृथ्वी पर जिंदा रही तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इतने एडवांस हो जाएं कि हमारे लिए डायसन स्फीयर बनाना आसान हो जाए। एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से किसी भी सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया है, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन अपने ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल कर ले उसे टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। अभी हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह अगर हम इंसान इस पृथ्वी पर लंबे समय तक सर्वाइव कर गए तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन जरूर बनेंगे। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन होती है जो अपने तारे की संपूर्ण ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाए और सौरमंडल के सभी ग्रहों को कंट्रोल कर पाए। अगर हम किसी भी तरह सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर बना लें तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। टाइप 3 वो सिविलाइजेशन होती है जो अपनी संपूर्ण गैलेक्सी की ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाए। हम अपनी टेक्नोलॉजी से डायसन स्फीयर तो नहीं बना सकते, लेकिन एक काम करने के लिए हम बिल्कुल आज़ाद हैं जिसे करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, वो है इमेजिनेशन। तो चलिए कल्पना करते हैं कि कैसे कोई भी टाइप 2 सिविलाइजेशन डायसन स्फीयर बना सकती है। अगर भविष्य के इंसान सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर बनाएंगे तो उनके लिए ये काम आसान नहीं रहने वाला। एक डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें इतने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिससे हम सूर्य को चारों ओर से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेडियस में कवर कर पाएं।
ये तो जाहिर है कि हमारी पृथ्वी पर इतना मटेरियल नहीं है कि डायसन स्फीयर बनाने के लिए पर्याप्त हो, और ना ही भविष्य के इंसान ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी का मटेरियल अगर डायसन स्फीयर में लगा दिया जाए तो पृथ्वी का मास कम हो जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी कम हो जाएगी, और ऐसा करना हम इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें सौरमंडल के ग्रहों के मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में पर्याप्त मटेरियल मौजूद है जिससे डायसन स्फीयर बनाया जा सके। अभी हमारे लिए ये कुछ ज्यादा ही साइंस फिक्शनल हो रहा है, ये प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन शायद टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए ऐसा कर पाना बड़ा ही आसान होगा। हमारी इस कल्पना से एक सवाल सामने आता है कि क्या ब्रह्मांड में कोई और एलियन सिविलाइजेशन ऐसी है जो टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुकी हो। सिग्नस कॉन्स्टिलेशन में टैबी स्टार नामक तारा मौजूद है। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि इस तारे की चमक बहुत ज्यादा कम हो गई। उस तारे की चमक में इतनी कमी तभी आ सकती थी जब कोई बड़ा स्ट्रक्चर उस तारे के सामने से गुजरे। तारों की चमक में थोड़ी बहुत कमी होना तो आम बात है, क्योंकि जब कोई ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो जाहिर है कि तारे की चमक कम हो ही जाएगी, लेकिन कितनी कम। मान के चलें कि अगर टैबी स्टार के सामने से जुपिटर के आकार का कोई प्लैनेट गुजरा होगा तो भी तारे की चमक केवल 1% ही कम होगी, लेकिन टैबी स्टार की चमक में तो 22% की कमी देखी गई, जिससे ये साफ होता है कि उस तारे की चमक को कोई मेगा स्ट्रक्चर कम कर रहा है। तो क्या वो एक डायसन स्फीयर है जिसको हाईली एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के रेडियो टेलीस्कोप इस तारे की ओर मोड़ दिए। टैबी स्टार की चमक में कमी अभी भी बरकरार है, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ एलियन लाइफ है भी कि नहीं, लेकिन अगर वो एक डायसन स्फीयर ही है तो ये हमारे लिए एलियंस को खोजने का पहला ट्रेस हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।